हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपके लिए कुछ बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। हमारी पहली खबर है संत प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत से जुड़ी। दोस्तों आज सुबह अचानक ही महाराज जी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें वृंदावन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने में तेजी से दर्द हो रहा था, इसलिए उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स ने उनका चेकअप करके उन्हें छुट्टी दे दी है और उनकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज की तरफ। यह खबर है मुनव्वर फारूकी के बारे में। उन्होंने ईद के मौके पर अपने फैंस को अपनी पहली वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी का टीजर शेयर किया। यह एक कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है जिसमें मुनव्वर फारूकी पायरेसी की दुनिया से एक ग्रे किरदार निभा रहे हैं। टीजर में पुराने जमाने के कंप्यूटर और वॉइस ओवर से शुरू होकर मुनव्वर की धमाकेदार एंट्री होती है, जहां वो कहते हैं कि साल 1999 में बॉलीवुड गन और फिरौती से ज्यादा डीवीडी से डरता था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस टीजर को काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और इस सीरीज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी के फैंस काफी एक्साइटेड है इस सीरीज के लिए। ये दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारी अगली न्यूज है मनीषा रानी के ऊपर। मनीषा रानी ने झलक दिखला जाए 11 जीतने के बाद यह मामला काफी चर्चा में। मनीषा ने हाल ही में एक ब्लॉग में खुलासा किया है कि उन्हें अभी तक अपनी जीत की प्राइज मनी नहीं मिली है। मनीषा रानी ने झलक दिखला जाए 11 में सीजन के अंत तक सबको कड़ी टक्कर दी थी और अंत में सीजन की विजेता बनी थी। उन्होंने 30 लाख रुपए की प्राइज मनी भी जीती थी। अब मनीषा ने अपने एक ब्लॉग में अपने दोस्त सगे ठगेस के साथ बात करते हुए कहा है कि उन्हें अभी तक झलक दिखला जाए 11 की जीत की रकम नहीं मिली है। और झलक आप जीत के आई हो, मैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा का सीक्वल पुष्पा 2 अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस फिल्म की डिजिटल राइट नेटफ्लिक्स ने 100 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। यह राशि सलार और ट्रिपल आर की तुलना में काफी कम है। वही फिल्म ने ग्लोबल म्यूजिक राइट्स और हिंदी सैटेलाइट राइट टी सीरीज ने 60 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुष्पा 2 का बजट ट्रिपल आर के बराबर यानी 555 करोड़ रुपए का हो गया है। मेकर्स फिल्म को परफेक्ट बनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। वैसे मैं भी इस फिल्म का इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं कब रिलीज हो रहा है।